विराट सिंगला जो है वो फीमेल है, इसको एंटलर बोलते हैं वैसे। जबरदस्त व्यू आ रहा है ना। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई दिन के बज रहे हैं 1:30 और मैं निकल चुका हूँ जंगल जर्नी पे। आज की जर्नी भी जबरदस्त होने वाली भाई, क्योंकि आज हमारे खास गेस्ट हैं बिजरानी जोन। बिजरानी जोन का परमिट उन्होंने खुद काटा है और बोले युवराज भाई आपको हमारे साथ जाना है। मैं ठीक है भाई, बिल्कुल चलेंगे। फिर आज बिजरानी जोन में माहौल बनेगा। और एक चीज़ भाई मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, कई दिनों से सोच रहा था आपको बताने की, पर सोचा भाई थोड़ा आराम से समय बीत जाए तब। भाई अभी बीच में आपने सुना होगा कॉर्बेट में एक टाइगर का अटैक हुआ था, एक लेडी को टाइगर ने जो है मार दिया था। बहुत दुखद घटना है भाई, मुझे भी बहुत बुरा लगा। पर वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी ना, कई लोगों ने बोला युवराज भाई आपने वीडियो नहीं बनाया। भाई यार मुझे बिल्कुल बुरा लगता है, मतलब ना आप जाके बाद में जाके अगर वो गरीब है बेचारे तो उन्हें फाइनेंशियली हेल्प कर दो। और किसी भी तरीके से मैंने सोचा मैं उन्हें हेल्प करूँगा मेरे द्वारा और मेरे सब्सक्राइबरों द्वारा, मेरे यारों द्वारा जो हेल्प होगी पक्का होगी उनको एकदम वहाँ पे उनकी फैमिली में जाके। और वो सब चीज़ों का और वो विचलित करने वाले उसकी वीडियो को मतलब अपने चैनल पे दिखाना, ये सब चीज़ अपने को नहीं जमता भाई। भाई बाहर के इतने मैंने मतलब जो बाहर के लोग हैं जो कॉर्बेट के नाम पे यहाँ पे मतलब चैनल बना रखा है जिन्होंने, उन लोगों ने सब ने मतलब पोस्ट कर रखा है चंग व्यूज़ के लिए। भाई मुझे नहीं लगता अगर दर्द होता ना भाई उस चीज़ को वो डालते नहीं, उस टाइम बाद जाके उनकी फैमिली से चुपचाप मिलते फिर वो बना सकते थे उस टाइम पे वीडियो, है ना। थोड़ा सा उनका भी मन का वो हल्का हो जाता और उन्हें कुछ अगर सपोर्ट करते किसी भी चीज़ के द्वारा तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। तो भाई थोड़ा सा दिमाग को अपनी थोड़ा चेंज करना है मेंटेलिटी को कि भाई ऐसे जाके ऐसे वीडियो नहीं बनाना, बाद में जाके करो तो उन लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो भाई ये चीज़ मैंने आप लोगों से कहनी थी, इसलिए मैंने वहाँ पे का वो वीडियो नहीं बनाया। मेरे सामने मतलब मुझे पता था हो गया था, उसी दिन पता हो गया था कि वो घटना हुई है। भाई मैं जाके कुछ नहीं कर सकता था वहाँ पे, सच बता रहा हूँ मैं। घटना होने वालों के साथ घटना हो चुकी है, डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा, हम वहाँ पे कैमरा लेके उसके विचलित करने वाली उसको फोटोज़ को अपने वीडियोज़ को अपने चैनल पे दिखाएं, है ना। ऐसा वाला दिल नहीं है अपना यार, ठीक है। तो भाई निकलते हैं जर्नी पे, दिखाते हैं जंगल आपको युवराज के अंदाज में। भाई गैस पहुँच गए हैं, गाड़ी लगा देते हैं दूसरे नंबर पे और आ जाएगा बिजरानी वाला। अच्छा यही बिजरानी जोन है जिसमें आप लोग एंट्री कर रहे हैं, ये आलमंडा एंट्री गेट है जहाँ से आप लोगों ने एंट्री किया। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट 8 जोन है, उसमें 6 जोन नियर बाई रामनगर और भारत का फर्स्ट प्रोजेक्ट टाइगर भी है। तो इसको 8 अगस्त 1936 को उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर थे सर मालकम वैली, उनके नाम से इसको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए स्थापित किया गया। तो इस पार्क का जो फर्स्ट एम है कंजर्वेशन है, बाद में टूरिज्म है। तो इसलिए हर जगह व्हीकल लिमिट है, कहीं पर 10, कहीं पर 15, कहीं पर 30, कहीं पर जंगल में स्टे हो। अपने एनिमल के लिए वो ग्रास वगैरह लाने का और डेड वुड ग्रेवी उठाने का। रियल डियर है वो, स्टेक बोलते हैं सर। और उसके बाद जो इसका थर्ड नाम रखा गया वो एडवर्ड जेम्स के नाम से रखा गया। जिम कॉर्बेट जो थे ये एंग्लो इंडियन थे और इनका जो बर्थ प्लेस रहा नैनीताल रहा, ये 25 जुलाई 1875 को नैनीताल में पैदा हुआ। फोटोग्राफ खींच सकते हैं, मचान वगैरह है, थोड़ा ओपन एरिया है वहाँ पर। अब यहाँ से साल का फॉरेस्ट रुके, जो बड़े पेड़ है लंबे, ये साल के पेड़ है। फर्स्ट टाइम है भैया अपना, तो जिन्होंने बुक करा वो कौन है आपके? वो मेरा फ्रेंड है। हाँ मुझे फ़ोन आया था, मुझे बाद में याद आया कुछ दिनों पहले ना कि मैं एक सफारी बुक कर रहा हूँ, हमारे भैया आएंगे उन्होंने बोला था। आपके वो सब देखा होगा, उन्होंने बोला बहुत बढ़िया था। चलो बहुत बढ़िया, बुक करवा देता हूँ आपको।
भी आप लोगों ने अपना माइंड में टाइगर नहीं रखना है, जंगल का मजा लेना है, ठीक है। हम और गाइड भैया अपना 100% एफर्ट डालेंगे आपको दिखाने के लिए, बाकी आपका किस्मत है भैया जी। लेकिन बाघ और लायन के नेचर में अंतर होता है ना, लायन हमेशा बैठे रहता है, बड़े ग्रुप में रहता है, टाइगर टाइगर सिंगल रहता है और ये अपने को कवर करके रखता है, मतलब छिपा के रखता है। तो यहाँ पे दोनों शिकार करते हैं, दोनों अलग रहते हैं, वहाँ पे लायन जब मिलेंगे लायन बैठे रहते हैं, लायन को स्पॉट करना थोड़ा आसान है टाइगर के मुकाबले। युग भाई अभी दिखेगा टाइगर हमारे दोस्त, इस टाइम पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है ना, गाइड भैया ने बताया ना टाइगर छुप के रहना पसंद करता है, तो इतना आसान नहीं होता। वाटर बॉडीज में भी आ जाओ, उसमें पानी है ना इस समय, और इंडिया में टाइगर का सबसे डेंसिटी भी इधर ही है कॉर्पोरेट में। स्टेट वाइज जो नंबर है वो एमपी है, सेकेंड नंबर पर कर्नाटक है, थर्ड नंबर पर उत्तराखंड है। जो देखो छोटी छोटी मछलियाँ, देखो ये मछलियाँ देखो छोटी छोटी, जैसे आप एक नंबर देखते हो ना यहाँ पर नेचर में, जो टाइगर दिखा था हाई बैंक दिखा था भाई, हेरो हमें यही ये वही एरिया आ गया जहाँ तुम दोबारा गए फिर टाइगर मिला। हाँ दो दिख रहे उसमें, बहुत लंबा खुला एरिया है, ओपन एरिया थोड़ा बेस्ट होते हैं ना दूर दूर तक वॉच करने के लिए। लास्ट टाइम हमें भी साइटिंग यही हुई थी। लो जी भैया सामने देखो, टाइगर का लंच देख लो, ये मेल है सिंगड़ा वाला देखो, विदाउट सिंगड़ा जो है वो फीमेल है, इसको एंटलर बोलते हैं वैसे। चलो आगे चलते रहेंगे, ठीक है। ये है कॉमन वाइल्ड लाइफ जो भैया जंगल में दिखती है आपको, ठीक है। स्पॉटेड बंदर, लंगूर, सांबर, मॉनिटर लिजर्ड दिखा दीजिए सामने। हाँ वो देखो सामने डियर के बिल्कुल ऊपर देखो, छोटा गार्डन लिजर्ड होता है, ये पॉइजनस नहीं होता, भूख सेकने के लिए बाहर निकला है। चलेंगे आगे, भाई वन देवी को प्रणाम, देखो माता जर्नी बना देना जबरदस्त। चली गई है मतलब से? चली गई है वो, हाँ ट्रैकिंग। अच्छा भाई अलबेली दिखाने का मन था आज आपको, अलबेली भी है वो, अलबेली भी है। अलबेली हमारी डोमेस्टिक एलिफेंट है, बिजरानी सॉरी, जैकॉल है, जैकॉल जैकॉल इंडियन गोल्डन जैकॉल। देखो उसको देखो आगे छोटू हमारे युग भैया जैकॉल देखो, चार चार घूम रहे भाई, चार चार अपनी गैंग के साथ जैकॉल चिल मोड में। ये देखो कौन को
मारते हैं, लेकिन कई बार पैकों बड़े डियर कोई मार देते। अलवेली ट्रैकिंग पे गई है गाइड भैया मेरा। हाँ, ये कैंप है, यहाँ फोटोग्राफ खींच सकते हैं, थोड़ा पेड़ में मचान है उस पर जा सकते हैं, और वॉशरूम वहाँ जाना है तो लेडीज वॉशरूम ग्रीन हट के पीछे हैं, जेंट्स इधर हैं जहाँ पर टाइगर लिखा है, इसके अभी जंगल में नहीं हो पाएगा। और मचान पर जाना है तो फैमिली फोटो लेना है, गाड़ी में लेना है, इधर उतर सकते हैं, एंट्री वेंट्री करके आएंगे फिर चलेंगे जंगल के अंदर। हम निकल चुके हैं भाई बाघ की खोज में। पांडे जी किधर को चलें सबसे पहले? किचार रिंगोड़ा, किचार रिंगोड़ा मारेंगे पहले, सबसे पहले ठीक है। अब भैया सर्कल राउंड आ जाएगा, ओके। अब एक के पीछे एक गाड़ियां नहीं चलेंगी, अलग अलग ट्रैक्स पे जाएंगे हम। किचार रोड भाई, किचार इसलिए बोलते हैं, होता है कीचड़ बोलते हैं। यही सब बताते हैं ना हमें भैया, अलार्म कॉल करते हैं ना भैया ने बताया ना, डियर बंदर लंगूर, अलर्ट कॉल से पता चलेगा कहाँ है। पांडे जी हाथियों का कैसा मूवमेंट चल रहा है? हाथी तो भी आजकल नहीं दिखाई दे, कम दिखाई दे रहे हैं ना, दिखा टस्कर वगैरह का भी दिख रहा है। अच्छा, विंटर के टाइम पे भैया एलिफेंट का मूवमेंट थोड़ा कम हो जाता है ना, हाथी माइग्रेट कर जाते हैं गॉर्बेट से, आपको बताया होगा किसी ने वहाँ पे। अभी कुछ दिन पुरानी बात है, चार पाँच दिन पहले की बात, पर इससे ये नहीं कि टूरिस्ट को आना नहीं चाहिए, कई लोगों को डर लगता है ना कि यार वहाँ मैनिटर है ना पेड़ पे। जो ब्लैक स्मार्क हैं ये पुराने हैं, जो रेड स्मार्क हैं नए हैं, दो टाइप के दिख रहे हैं, ब्लैक भी हैं और रेड भी हैं। टेरिटरी मार्क वाले जो हैं पूरा उसने अपना क्लाइम नहीं करता और जूम करके दिखाओ, ये पूरा अपना क्लो मार्क किया हुआ। दूसरे बाघ को बताना है कि भाई हाइट देख ले, दम है तभी विजिट करना, इसका साइज ही इतना है। ये फुली ग्रोन है, चेक कर पाएंगे। अभी तो हम आए ना उधर से, उधर तो कोई भी ऐसा मूवमेंट है नहीं। यही पंजा इधर को आ रहा है ना, उधर को खड़ी है ना, दूसरे जोन की है। हाँ, नदी के पार गर्जिया जोन है। भारी पंजा लगा है, देखो इतना फ्रेश भी नहीं है बट ये पार्किंग डियर।
पीछे जाने के लगे हैं पंजे। बहुत देर बाद गाइड साहब के कानों ने एकदम सुन लिया। पांडे जी हैं हमारे साथ। इधर ही कहीं बोल रहे हैं ना युग बाबू, शांत रहो। अरे बाहर गिरना मत, तुमको पकड़ो। ये दौड़ लगा रहा है जंगल। बैठ जाओ नीचे आराम से, ऐसे भाग नहीं दिखेगा। फिर टाइगर वहाँ कोने में है कहीं, ये खड़ी ना डियर इस सूखे वाले पेड़ के नीचे है। देखो हल्के हल्के हिली जो पेड़ खड़ा है ना उसके नीचे। पैसे उधर है बाहर, थोड़ा रुक के उधर चलना चाहिए। किधर को? नीचे में। अभी इधर मोमेंट देख सकते हो, पता नीचे को चली गया वाटर लेक की तरफ। इधर ऊपर को अभी लगे हैं पंजे, है ना? ये पंजे लगे पड़े हैं। मतलब ऊपर को देख रहा था उधर वाली रोड में कह रहे हैं। कॉल आएगा इधर को आ जाएंगे। हाँ हाँ, बाईस बेच में आ गए टाइगर, फ्रेश पंजे और तगड़ी अलार्म कॉल। अभी सुनी कॉल, उधर से कोई निकाली का रिप्लाई नहीं आया। हाँ तो बंदर लंगूर सभी हैं। हाँ तो नीचे देखते हैं मार के ग्राउंड। हाँ पटक से इधर ही आ जाएंगे। हाँ क्या हुआ, कुछ नहीं बना, कोई बात नहीं, दो चार मिनट हम रुक जाएंगे। क्या है माहौल? चार पाँच बार बोला, नीचे भी बोला यार, नीचे भी बोल दिया। टाइगर बोला? टाइगर वहाँ से चला पहाड़ी पे को, लेकिन वहाँ से नीचे उतरा है। चीतल से उतर के नीचे वाटरफॉल एक दो के बीच में वो गया, वहाँ कॉल आर थी स्पॉट डेढ़ की। फिर हम नीचे जामुदर चक्कर का आए वाटरफॉल एक तक, फिर हम इधर को आए। बोले वो भी लेटा ही है यहाँ पे भी। चीतल बोल रही है, लंगूर वहाँ भी वही है। चलो देखते हैं वहाँ चीतल से उतर के उधर को जाएंगे टावर को। सामने चील के पेड़ दिखाई दे रहे, सामने ऊपर दिखाई दे रहे पाइन के पेड़ का साउंड आ रहा है। यहाँ ऊपर चील के पेड़ ये होता है भाई। तो अलर्ट सा लग रहा है यार, तो खड़ी भी है अंगूर नीचे तो बैठे हैं दो नीचे। दो चार मिनट सुनते हैं फिर, क्यों दो चार मिनट। हाँ हाँ और व्हील की जरूरत है या नहीं? है पहले गियर में निकल जाएगी आराम से, पिकअप बना। चढ़ाई बहुत है भाई, पहले गियर में निकालनी पड़ेगी। थोड़ा होल्ड टाइट। हाँ किधर है पाइन के पेड़ ऊपर? चीड़ चोटी तभी है जगह का नाम। मस्त एरिया दिखता है यहाँ से। जबरदस्त व्यू आ रहा है ना। आप इसे एक सफारी में कवर नहीं कर सकते हो, जैसे आप नाइट स्टे आओ ना तभी पूरा घूम पाओगे, तब भी नहीं घूम पाओगे इतनी रोड है एक नाइट स्टे में। लिंक रोड है बहुत है ना, बिजरानी इतना बड़ा था कि जो हम अभी एक जगह गए थे रिंगवाड़ा जहाँ दूसरी गाड़ियां खड़ी थी, हम बोले दूसरा जोन है, वो भी इसी का जोन था। पर ये बहुत बड़ा होने के कारण गवर्नमेंट ने उसके दो पार्ट कर दिए, एक बना दिया गर्जिया। एक जमाने में जोन का इतना तगड़ा नाम चलता था, यहाँ एक टाइग्रेस दिखती थी शर्मीली, वो तो बहुत फेमस टाइग्रेस थी। शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो शर्मीली के दौर में बिजरानी घूमा उसे ना दिखी हो।
लॉकडाउन के टाइम में मर चुकी थी पॉर्क्यूपाइन की फाइट से ना, हमले से। उसके बाद भी अच्छी साइटिंग है, ऐसा नहीं है। पर लास्ट ईयर थोड़ी कम थी, पर इस साल है साइटिंग बढ़िया। मिल गई सारी गाड़ियाँ ना, बोले थे ना उधर कोई नहीं पहुँचता। अभी क्या, अभी इधर आराम से वेट करने का 15-20 मिनट का वो रहेगा, ओपन एरिया हाई बैंक वाला एरिया है ना। मैं सुन भी लेते हैं। सांबर एशिया का लार्जेस्ट जिले में सबसे बड़ा। इसको सांबर डियर ही बोलेंगे, हिंदी में भी सांबर डियर ही बोलेंगे। सनसेट का फोटो लेना, सनसेट का फोटो ले लीजिए। ले लिया, एक आवाज आ रही दूर से बार्किंग डियर की, आ रही ना जंगल से, वो आया करके सुनो। बस भैया, हो गई आपकी सफारी। ओके, माहौल रहा हल्का एकदम